हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है तारीख 30 मई 2021 और आज बहुत दिनों के बाद टिपिकल तपन, जो मेरे चैनल का नाम है, उस चैनल के ऊपर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मेरी बेटी, उसका नाम है अवनी, उसने मुझे एक तरह से एनकरेज किया कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिए हैं, आपको वीडियो बनाना चाहिए। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग वीडियो बनाएंगे और हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूं और सबसे पहले हम करेंगे भगवान की पूजा, इसके साथ हम करेंगे दिन की शुरुआत। पूजा हो चुकी है खत्म और अब मैं आपको मिलवाता हूँ मेरी बेटी, जिसका नाम है अवनी। वो भी हमारे इस चैनल पर पूरा साथ देगी। ये है अवनी। आज हमारा पूरा डेली रूटीन बताएगी, हम पूरे दिन क्या करते क्या नहीं करते, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। फिर आप लगा तो ये है अवनी, कोशिश कर रही है व्लॉग बनाने की और अभी ब्रेकफास्ट भी बन रहा है घर में, तो देखते क्या ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट में बन रहा है ये है, ये है राम गट्टे की सब्जी गर्मा गर्म। अभी राम गट्टे बन गए हैं, इनको काट के सब्जी बनाएंगे। और ये देखिए आ चुका है गर्मा गर्म पराठा, बहुत टेस्टी पराठा, और दूसरा पराठा लग रहा है। अब सब्जी तैयार होती है, हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ेंगे। के बीच में सबसे अच्छी फीलिंग होती है बेहतरीन चाय। तो ये है हमारी चाय, सुपर टेस्टी चाय, इसको पी के बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और आगे काम के लिए बढ़ेंगे। समय हमें दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर, ये देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत हैवी ट्रैफिक है। दिल्ली मुंबई हाईवे L&T कंपनी का बनाया हुआ, बहुत बढ़िया मेंटेनेंस किया हुआ है इसका। बहुत ही बिजी रोड है, मुंबई जाने का रोड है, बहुत ही हैवी ट्रैफिक रहता है इसमें। साल भर चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, हमेशा इसमें ट्रैफिक रहता है। अभी आगे से दिखाता हूँ मैं इसको। नगर रेलवे स्टेशन पे, ये एक बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है वडोदरा का। ये सेकेंडरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे 1922 से एक रेलवे मेंटेनेंस, कोच का मेंटेनेंस जो किया जाता है, उसका वर्कशॉप है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जाने वाली लाइन भी यहीं से होके जाती है। और यहीं पे पास में नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे से भारत की एकमात्र एकेडमी है। और यहीं पर बुलेट ट्रेन का जो ट्रेनिंग है, इंडिया में एक ही जगह पे होता है बुलेट ट्रेन के लिए जो ट्रेनिंग है, जो बुलेट ट्रेन आने वाली है 2022 के बाद में, तो उसका ट्रेनिंग भी यहीं पे होता है, इसी स्टेशन के पास में, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे।
घर वापस आ गया हूँ, अवनी मेरा इंतजार कर रही है। उसने बोला था पापा आपको एक बहुत बढ़िया सरप्राइज दूंगी, वो मेरे ऑफिस से रिलेटेड कुछ ड्राइंग बनाने वाली है, तो आइए देखते हैं वो क्या करने वाली है। दरवाजा खोलो, तो ये अवनी तो अभी सो रही है, पता नहीं कब वो सरप्राइज देगी। क्यों अभी तक सो रहे हो? जाने से पहले मेरा ये प्रश्न हो सब क्या करे, स्कूल बंद है इसलिए क्या करे ऐसा? तो शासन की छाती को चीरकर तो अभी कोरोना है तो नीचे नहीं जा सकते। ओके, मेरा सरप्राइज बनाया, बन गया, कब दिखाओगे? ये है केसर केरी और ये है हापुस केरी, तो दोनों को हमने टेस्ट किया है। अवनी आप बताओ कौन सा अच्छा है? ओके, सो गाइस आपको पता ही होगा, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बट मैंने पापा को, जब पापा ऑफिस जा रहे थे तब मैंने पापा को बोला था कि पापा आप जब ऑफिस से घर आओगे तब मैं आपके लिए एक अच्छी सी ड्राइंग बना के आपको बताऊंगी। तो देखते हैं पापा को अच्छी लगती है। द ड्राइंग ऑफ माय पापा, ये AGS कंपनी में मेरे पापा काम करते हैं, एंड इधर उनका बस ऐसे ही छोटी सी टेबल बनाई है जहाँ पे उनका टिफिन रखा है, एंड ये पापा वो AGS कंपनी मतलब हर एक ATM में जाकर ATM मशीन ठीक करते हैं जब कोई प्रॉब्लम होता है, तो ऑब्वियसली ये ATM मशीन है जो पापा ठीक कर रहे हैं। उसी के साथ मैंने एक और ड्राइंग बनाई है पापा की, जो मम्मी की बनाई है मैंने, बिकॉज मैंने सबकी ड्राइंग बनाने का सोचा है क्योंकि मैंने अपनी ड्राइंग्स में सारी चीज़ें तो बना ली है। ये रहा मेरा ट्रायल, पापा को ट्रायल में मैंने ऐसा बनाया था, और अभी मैंने मम्मी को बनाया है। मम्मी, ये मम्मी है, और हमारे पास पहले ऐसा एक हैंगर हुआ करता था जिस पे हम ऐसे कपड़े सुखाते थे, और उसे हम जब नीचे खींचते थे तो वो ऊपर चला जाता था, ऐसे ऊपर लाते तो वो नीचे आ जाता था, और इधर मम्मी वही खींच रही है। बट अब हमारी बालकनी पूरी चेंज हो गई है क्योंकि उधर एक कबर्ट आ गया है जिससे हमें ये पूरा हटाना पड़ा, और वो पूरा कबर्ट इतनी जगह लेता है तो हमें ये हटाना पड़ा और पीछे वाली बालकनी में रखना पड़ा। सो गाइस मैंने एक और ड्राइंग बनाई है, मैंने कोरोना के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ लिखी है। हमें अभी कोरोना के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, करनी पड़ती है, और सबसे पहली चीज़ हमें हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है हमारे हाथ, PPT किट पहननी है, एंड मिल्क पहनना है। मिल्क पहनना है, अरे मिल्क पीना है, और हमें बाहर तभी जाना है जब हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम हो, और हमें घर का खाना ही खाना है और घर पे रहना है। वो ड्राइंग बताओ आपकी जो आपने बनाई, कौन सी, जिसको देख के आप बोल रहे हो? ये रही ये है, हैंड वॉश, PPT किट, मिल्क, सैनिटाइजर, ईट होममेड फूड एंड गो आउट व्हेन योर वर्क इज इम्पोर्टेंट, वी नीड टू स्टे एट होम। तो ये है अवनी की। मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। सो गाइज ऑन दिस नोट इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।